एवरीवन, वेलकम टू द शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी स्वीट कॉर्न की रेसिपी। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को खास तौर पे पसंद आते हैं। आप चाहें तो इन्हें शाम की चाय के साथ पेश कर सकते हैं स्नैक्स के रूप में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी स्वीट कॉर्न। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, जिन्हें हम उबालेंगे। तो पहले हम इन्हें उबालते हैं। कॉर्न को उबालने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ। इसमें डालूँगी एक कप स्वीट कॉर्न है तो दो कप पानी डालना है। पानी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये दो कप पानी कंप्लीट हो गया है, पानी को उबलने देते हैं हम। पानी में उबाल आ चुका है, इसमें हम अपनी स्वीट कॉर्न डालेंगे। वो भी सिर्फ 5 या 6 मिनट के लिए उबालेंगे हम, ज़्यादा नहीं उबालना है। 5-6 मिनट उबाल लेते हैं कॉर्न को अपने। कॉर्न को उबलते उबलते 5 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, छान लेते हैं इन्हें हम। एक स्ट्रेनर की सहायता से हमने अपने कॉर्न छान लिए हैं, देखिए कितने अच्छे और मुलायम से हो गए हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं कॉर्न को, ज़्यादा गर्म है अभी। कॉर्न हमारे थोड़े ठंडे हो चुके हैं, इसमें हम मिलाएंगे आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च और आधा छोटी चम्मच नमक, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कह लीजिए। साथ ही हम मिलाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अरारोट पाउडर। अच्छे से मिला के कोट करना है। बहुत अच्छे से मिलाना है हमें। हमारे कॉर्न अच्छे से कोट हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें ऑयल ले लेते हैं। ये कढ़ाई ले ली है, मेरी कढ़ाई में ऑयल पहले से था, कल मैंने कुछ बनाया था तो उसका ये ऑयल बचा हुआ है, वो यूज़ कर रही हूँ मैं। तेल को गर्म होने देते हैं, रिफाइंड ऑयल है ये, तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम पहले हम स्लो करेंगे तब कॉर्न सेकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वरना सारे कॉर्न उछल के आपके मुंह पे आ जाएंगे। जब भी कॉर्न सेकें तो एक ऐसी लिड, नहीं तो एक प्लेट हमेशा अपने पास रखें। डालते हैं अपने कॉर्न हम। सिकने देते हैं 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। कॉर्न को 2-3 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर, अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए तेज आंच पे पकाएंगे। बहुत सावधानी से फ्राई करने हैं इन्हें, होने देते हैं 2 मिनट और फ्राई तेज आंच पर। कॉर्न सिक चुके हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। बहुत ही अच्छे और बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं ये। एक प्लेट ले ली है मैंने और उसमें ये टिश्यू पेपर रख लिए हैं, इसमें रख देते हैं कॉर्न अपने। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टिश्यूज़ ने पूरे ऑयल को सोख लिया है, बहुत सावधानी से टिश्यूज़ निकाल देते हैं हम। देखिए हटा देते हैं इसे और इसमें मिलाते हैं हम थोड़ा सा चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच के करीब, बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, हल्का सा, आधा नींबू स्क्वीज करके डालेंगे इसमें हम। और ये थोड़ा सा
हरा धनिया, मिला देते हैं सबको अच्छे से। ये हमारी कॉर्न चाट बनके बिल्कुल तैयार हो गई। आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखिए बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैंने बच्चों के मुताबिक इसमें मसाले वगैरह डाले हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं मसाले तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें, जितनी भी स्पाइस हैं उसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न को हमने सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में, खाने में आई होप उतने ही ज़्यादा टेस्टी होंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।